फ्रेंड्स, आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम, और डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को हम लोग यूज करके किसी भी वेटेड ग्राफ में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में जैसे कि बोला नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन द गिवन वेटेड ग्राफ बाई डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम। तो ये एक वेटेड ग्राफ है, इसमें हर एक एज पे जो है वेट दिया हुआ है, इसलिए वेटेड ग्राफ है। तो हम लोग को बोला नहीं कि सोर्स वर्टेक्स कौन सा है। तो मान लीजिए हम लोग कोई सा भी सोर्स वर्टेक्स ले लेंगे, जैसे ए को लिए, तो हम लोग को ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, ए से ई का डिस्टेंस और पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बोला है, तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ए से डी और ए से सी। अगर क्वेश्चन में हम लोग को बोल देगा कि हम लोग को सी एज अ सोर्स वर्टेक्स लेना है और बाकी सारे वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सी को ही सोर्स वर्टेक्स लेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग किसी को भी ले सकते हैं एज अ सोर्स वर्टेक्स। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है देख लेते हैं। फर्स्ट है सॉल्यूशन टू द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन द ग्राफ थ्योरी। तो हम लोग डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करके सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमने बोला। दूसरा है बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। जो हमारा ग्राफ रहेगा, हम लोग डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करेंगे जब, तो हमारा हम लोग दोनों ग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ भी, मतलब जिसमें हमारा एरो एज पर जो एरो दिया हो, और जिसमें हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है ऑल एज मस्ट हैव नॉन निगेटिव वेट। जो हमारे एज वेट है, जो यहाँ पे जो एज वेट है 3751, ये सब जो है हमारे नॉन निगेटिव है। अगर हम लोग का यहाँ पे जो है एज वेट निगेटिव रहता है, तो उस केस में हम लोग का डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करने के बाद जो है प्रोबेबिलिटी जो है सही आंसर आने का बहुत कम हो जाता है, इसलिए उस टाइम में हम लोग बिलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव वेट रहा तो हम लोग डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ जो है आराम से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो कनेक्टेड होना चाहिए, ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिमूव ऑल सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है, इसमें कोई भी सेल्फ लूप या पैरेलल एजेस नहीं है। सेल्फ लूप का मतलब होता है ई से ई पर ही एक लूप रहेगा, या फिर बी से बी के लिए ही उसको सेल्फ लूप बोलते हैं। और पैरेलल एज का मतलब, जैसे ए से बी पर ऑलरेडी हमारे पास एक एज दिया हुआ है, एक और एज रहता है ए से बी के लिए, और उसके लिए भी कुछ वेट दिया रहता है, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, सेल्फ लूप को भी इग्नोर कर देते हैं। और पैरेलल एज में जो वेट हमारा जो है मैक्सिमम रहता है, जैसे यहाँ पे 3 है और दूसरा एक रहता है जिसमें 5 रहता है, तो 5 वाले को हम लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, 3 को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट है इट इज अप्लाइड ऑन वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ होना चाहिए, अगर ग्राफ में हमारा वेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ तो निकाल ही नहीं पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग जो है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम में बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं हमारा जो सोर्स वर्टेक्स है जिससे हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, तो हम लोग ए को नहीं मान के हम लोग सी को मान लेते हैं। ओके, तो सी को, जिस वर्टेक्स को हमने सी, मतलब जिस वर्टेक्स को भी हमने सोर्स वर्टेक्स माना, उसमें हम लोग यहाँ पे दे देंगे 0, और बाकी सारे वर्टेक्स में हम लोग दे देंगे इन्फिनिटी। ओके, इनिशियली ऐसे करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि हम लोग को बी को सोर्स वर्टेक्स लेना है, तो बी को हम लोग 0 कर देंगे, बाकी सबको इन्फिनिटी कर देंगे। ओके, यहां पे कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग रैंडमली सी को चूज कर लिए। नेक्स्ट हम लोग का स्टेप है, हम लोग का सी से जो है डायरेक्ट एज कौन से वर्टेक्स पे गया है, तो सी से डायरेक्ट एज गया है ए पर, बी पर और डी पर। तो यहां पर हम लोग को, यहां पर जो है 0+2, यहां पे हम लोग को जो है इन्फिनिटी है, तो 0+2 आएगा 2, और इन्फिनिटी से ये छोटा है तो हम लोग इसको अपडेट कर देंगे 2, सिर्फ डायरेक्ट एज जो है जिसमें भी गया है सिर्फ उसके लिए। ओके, यहां पे 0+7, यहां पे इसको अपडेट कर देंगे 7, और 0+1, यहां पे इसको अपडेट कर देंगे 1। ओके, इसके बाद अब कोई डायरेक्ट एज नहीं बता, अब फिर से एक बार देखेंगे सारा जो अब है हमारे पास। हमने सी को तो सिलेक्ट कर ही लिया है, तो सी को हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ए बी ई और डी में से सबसे मिनिमम जो है वैल्यू किसके पास है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू अब हम लोग देख सकते हैं ए के पास है 1। ओके, तो अब हम लोग ए को जो है, अब यहां पे हम लोग ए के लिए देखेंगे, ए से डायरेक्ट वर्टेक्स कौन से, सॉरी, ए से डायरेक्ट एज कौन से वर्टेक्स पे गया है। तो ए से डायरेक्ट गया है बी पर। ओके, तो 1+3 4 होगा, और 7 है यहाँ पे, 4 मिनिमम है, 4 यहाँ पे लिख देंगे, अपडेट कर देंगे यहाँ पे 4। ओके, और सी पर भी गया, बट सी हम लोग ऑलरेडी जो है सिलेक्ट कर चुके हैं, ये सिलेक्टेड वर्टेक्स है, तो सी को अब हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग का जो अब ए जो है, हमने उसको भी सिलेक्ट कर लिया था, इसको भी हम लोग कर दिए, फाइन। इसके बाद हम लोग फिर से अब बी ई और डी में चूज करेंगे मिनिमम किसके पास है वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू देखिए अब यहाँ पे 2 के पास है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और 2 से डायरेक्ट एज किसके पास गया है, ई पर और बी पर।
सी को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टू है और सेवन, सेवन प्लस टू नाइन होगा जो कि इन्फिनिटी से छोटा है, तो अपडेट कर देंगे। और टू प्लस फाइव यहाँ पे है सेवन और यहाँ पे है फोर, तो फोर ऑलरेडी छोटा है तो हम लोग इसको अपडेट नहीं करेंगे। तो ये हो गया डी बी सिलेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और कौन सा जो है मिनिमम वैल्यू बी और ई, यहाँ फोर है या नाइन है, तो बी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। बी हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए बी के पास है फोर, फोर प्लस वन हो जाएगा फाइव और यहाँ पे है नाइन, क्योंकि हम ये तीनों ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू फाइव। ओके, बी भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद अब लोग ई पे देखेंगे, तो ई से ऑलरेडी जो है हम लोग का सारा जो है सिलेक्ट हो चुका है, ये लास्ट वर्टेक्स है, तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे क्योंकि ई से हम लोग किसी पे नहीं जा सकते, सब हमारा सिलेक्टेड वर्टेक्स है। तो अब जो हमारा डिस्टेंस आया वो आया, जब हम लोग सी से ए पे जाएंगे तो हमारा मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो होगा वन, सी से बी पे जाएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस होगा फोर, यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, सी से बी के लिए मिनिमम डिस्टेंस होगा फोर, सी से डी के लिए मिनिमम डिस्टेंस होगा टू और सी से ई पे जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होगा फाइव। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग मिनिमम पाथ कैसे निकालना है, सॉरी पाथ कैसे, मिनिमम पाथ नहीं, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालना है, कि हम लोग जो है सी से ई पर जाने के लिए हम लोग कॉस्ट तो फाइव लग रहा है लेकिन किस रास्ते से जा रहे हैं, सी से ई पर जो हमारा कॉस्ट फाइव लग रहा है। ओके, तो ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग को जो है एक हम लोग को चार्ट बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जैसे हमने सी वर्टेक्स को जो है सोर्स वर्टेक्स लिया है तो सी को छोड़ के बाकी सारे वर्टेक्स को हम लोग को इस तरीके से लिखना है एज एक रो में। तो सी को छोड़ के ए बी डी और ई को हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्टेड वर्टेक्स। ओके, सिलेक्टेड वर्टेक्स और यहाँ पे हम लोग का रहेगा सोर्स वर्टेक्स को छोड़ के बाकी सारा वर्टेक्स। अब हम लोग जो है सोर्स वर्टेक्स यानी कि सी से जो डायरेक्ट हम लोगों का एज गया है जिस वर्टेक्स पे उसको लिखेंगे, तो सी से डायरेक्ट एज गया है ए पर और वन है इसका। ओके, तो मैं एक बार इसको इस डायग्राम को फिर से बना लेती हूँ यहाँ पर। ओके, तो इस डायग्राम को अभी हम लोग छोड़ के यहाँ पे जो फ्रेश जो डायग्राम है उसे को देख के सॉल्व करते हैं। तो सी से ए का डिस्टेंस है वन, सी से बी का जो है वो है सेवन, सी से डी के लिए है टू और सी से ई पर कोई डायरेक्ट एज नहीं है तो हम लोग दे देंगे इन्फिनिटी। ये स्टेप करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम है वन, तो वन को चूज करेंगे और वन के साथ जो ए है हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे। ए को लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग ए से देखेंगे, ए से जो है डायरेक्ट, पहले हमने सी को देखा, हमने सी को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब हम लोग ए को सिलेक्ट करेंगे, तो ए से हम लोग का डायरेक्ट एज कहाँ पे है, ए से डायरेक्ट एज गया है बी पर और गया है सी पर, तो सी को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज सी ऑलरेडी सिलेक्टेड वर्टेक्स है क्योंकि सी हमारा सोर्स वर्टेक्स है। ओके, तो ए से गया है डायरेक्ट बी पर, ए से डायरेक्ट गया है बी पर, तो बी पर गया है तो ए का अभी कितना है वन। ओके, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहां पर हम लोग एक बार नया फिर से हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी ए है वन और ए से बी के लिए जाने पर लग रहा है थ्री, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस थ्री फोर। फोर हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेवन जो है फोर से बड़ा है, अगर यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू आता जो सेवन से बड़ा रहता तो हम लोग अपडेट नहीं करते, सेवन से मिनिमम है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे। ओके, इसके बाद जो डी वैल्यू है, डी के लिए कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ई के लिए भी कोई डायरेक्ट नहीं है, तो सेम जो है ऊपर से हम लोग वैसे ही कॉपी कर देंगे। ओके, ये वन हम लोग का सिलेक्टेड है तो हम लोग, क्योंकि मैंने इसको सर्कल किया हुआ है तो इसको हम लोग अब नहीं लिखेंगे। अब देखिए फोर टू और इन्फिनिटी में मिनिमम कौन सा है, फिर से सेम स्टेप करेंगे, तो टू है, टू है डी के लिए, तो डी को यहाँ पे सिलेक्ट किए। ओके, अब देखेंगे डी से हमारा डायरेक्ट एज कौन से वर्टेक्स पे गया है, तो ई पर गया है, बी पर गया है और सी पर गया है, ए को हमने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, तो सी हमारा सोर्स वर्टेक्स है, सोर्स वर्टेक्स को चूज नहीं करते हैं और सिलेक्टेड वर्टेक्स को भी चूज नहीं करते, तो डी से ई पर और डी से बी पर, तो डी से ई पर गया, डी से बी पर गया, डी से बी के लिए हमारे पास है फाइव और अभी डी का वैल्यू है टू, तो टू प्लस फाइव यहाँ पे लिखाएगा सेवन, बट सेवन नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर जो है यहाँ पे ऑलरेडी सेवन से छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पे सेवन हम लोग नहीं लिखेंगे, सेवन बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो सेम वैल्यू है उसको कॉपी कर देंगे। ओके, तो हमने डी से बी के लिए देख लिया, अब डी से ई में देखिए सेवन है और डी का वैल्यू है टू, तो टू प्लस सेवन हो जाएगा नाइन, हम लोग यहाँ पे डी से ई के लिए नाइन लिख देंगे बिकॉज इन्फिनिटी जो है नाइन से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट कर देंगे छोटा वैल्यू को।
इसके बाद ये टू को हम यहाँ पे वैल्यू टू नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर सर्कल का किया हुआ है और ये भी सर्कल किया हुआ है, इसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे फोर और नाइन में सबसे स्मॉलेस्ट है फोर, फोर को हमने सिलेक्ट कर लिया, फोर को सिलेक्ट किया है तो ये है हमारे पर बी है। अब बी से हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एज, तो हम देखिए हम लोग डी को भी सिलेक्ट कर चुके हैं ओके, तो बी से डायरेक्ट एज गया है ए पर भी सी पर भी डी पर भी, इन तीनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ई को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बी से ई के लिए हम लोग देखेंगे बी का वैल्यू है नाइन और बी से ई का वैल्यू है वन, सॉरी बी का वैल्यू है फोर और बी से ई का वैल्यू है वन, फोर प्लस वन हो जाएगा फाइव, तो फाइव यहां से लिख सकते हैं क्योंकि फाइव जो है नाइन से छोटा है ठीक है। इसके बाद जो है टू को नहीं लिखेंगे, फोर को भी नहीं लिखेंगे, वन को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब हमारा सिलेक्टेड वर्टेक्स है। अब यहाँ पे लास्ट हम लोग का बचा ई, ई को यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, बी हम लोग का सिलेक्ट हो चुका था, ई को सिलेक्ट करेंगे, ई से हम लोग का कोई भी पाथ नहीं होगा ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग जो इस मेथड से जैसे सॉल्व किए, तो सी से ए का डिस्टेंस वन, यहाँ पे भी हमने वन ही निकाला था, सी से बी का डिस्टेंस आया है फोर, सी से बी का डिस्टेंस हमने फोर निकाला था, सी से डी का डिस्टेंस आया है टू ओके। देखिए यहाँ पर देखिए टू आया है, तो हमने सी से डी का डिस्टेंस भी टू निकाला था और सी से ई का डिस्टेंस आया है फाइव, हमने फाइव निकाला था ओके। अब यहाँ पे इस मेथड से हम लोग पाथ फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग किसी के लिए भी पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग सी से ए का पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं ओके। तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप रहेगा, हम लोग देखेंगे इस वाले में सिलेक्टेड वर्टेक्स में ए, ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ए कहां पर है, यहां पर ए है और ए में जो है सर्कल कौन सा हमने किया हुआ है, सर्कल हमने इसको किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम लोग एरो लगा देंगे ओके। आपको आई थिंक दिख ही रहा होगा ये वाला एरो, एरो लगा दिया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो मतलब पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए, इसके ऊपर कुछ रहता तो हम लोग अपडेट करते, तो पहले हम लोग लिख दिए ए, ए के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके आगे सी, इसके आगे लिख देंगे, तो सी से ए का जो हम लोग का पाथ होगा मिनिमम पाथ वो होगा सी टू ए, हम लोग डायरेक्ट पाथ यूज करेंगे सी टू ए और कॉस्ट आएगा हमारा वन। अब हम लोग जो है सी से बी के लिए देखते हैं, सी से बी का पाथ, तो बी, बी के लिए देख रहे हैं, तो बी यहां पर देखना है सिलेक्टेड वर्टेक्स में और इसको हमने यहाँ पे फोर पे जो है ये किया है सर्कल किया हुआ है, फोर है, फोर के जस्ट ऊपर, फिर अब हम लोग जो यहाँ पे एरो किए अब इस एरो को जस्ट ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर भी फोर ही है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ है तो फिर इसके ऊपर लेके जाएंगे, जब तक वैल्यू चेंज नहीं हो जाता तो फिर इसके ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ है, इस रो में वैल्यू चेंज हुआ है, तो इस रो में देखेंगे हमने किस वाले वैल्यू को जो है सिलेक्ट किया था, तो वन को सिलेक्ट किया था, हमारा ये एरो यहाँ चला जाएगा ओके। तो हमारा एरो किस तरीके से गया है, पहले तो हम लोग यहाँ पे पहले सी लिखेंगे, सी से ए पे गए, फिर ए से बी पर गए ओके, पहले सी फिर ए फिर बी, ए वाले केस में पहले सी फिर ए डायरेक्ट था, यहाँ पे इस तरीके से हुआ है, तो मतलब पहले सी से हम लोग ए पे जा रहे हैं फिर बी पे जा रहे हैं ओके। तो यहां से यहां तक जाने में वन है और यहां से यहां तक जाने में थ्री, तो वन प्लस थ्री हमारा फोर आ जा रहा है। इसी तरीके से सी से डी के लिए देखते हैं, तो सिलेक्टेड वर्टेक्स में अब हम लोग डी देखेंगे, डी यहां पर है, इसमें हमने टू को सर्कल किया हुआ है, टू को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, टू के ऊपर जाएंगे जस्ट, हमने वैल्यू को चेंज नहीं किया है तो डायरेक्ट अब हम लोग का जो है ऊपर अब कोई कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट सी को चूज कर लेंगे, तो पहले हो जाएगा हमारा सी और उसके बाद डायरेक्ट डी, मतलब सी से डी का पाथ जो है डायरेक्ट पाथ है सी से डी, सी से डी का डायरेक्ट पाथ है टू और यहां पे भी हमारा है टू। अब सी से ई के लिए देख लेते हैं, सॉरी सी सी से ई के लिए, तो सी से ई पर अब हम लोग देखेंगे ई के सिलेक्टेड वर्टेक्स में ई पे जाएंगे, ई पे हमने फाइव को सर्कल किया हुआ है, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमारा यहीं पे जो है वैल्यू चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गया तो हम लोग यहाँ पे फोर को चूज कर लेंगे, फोर को चूज के फिर इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुआ है तो फिर इसके ऊपर चले जाएंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ है फोर के बाद सेवन, तो हम लोग जो है यहाँ पे वन को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको सर्कल किया हुआ था। तो सी से ई के लिए पाथ क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए क्योंकि हमने यहाँ पे एरो बनाया है, उसके बाद बी, उसके बाद डी सॉरी ई, तो यहाँ पे पाथ क्या हो जाएगा, पहले हम लोग सी से ए पे जाएंगे, ए से बी, फिर बी से ई, सी से ए, ए से बी, बी से ई, तो यहाँ पे वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस वन फाइव, यहाँ पे फाइव वैल्यू आ रहा है, तो हमारा पाथ हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं सी से ए, ए से बी और यहाँ पर सी से डी डायरेक्ट और यहाँ पे सी से ए, ए से बी, बी से ई ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करके हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, सिर्फ हम लोग को जो वैल्यू निकालने बोलेगा शॉर्टेस्ट वैल्यू,
तो या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इस वाले मेथड से डायरेक्ट अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। पाथ अगर फाइंड आउट करने बोला तो इस वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे और इसको हेल्प से जो इस तरीके से हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकल जाएगा और शॉर्टेस्ट पाथ भी निकल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।